राम राम दोस्तों, मैं चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? आज तो मेरा बड़ा जी खुश है। ऐसा लग रहा है कि जोर जोर से बस गाने गाऊं। सजना है मुझे सजना के लिए। अरे भाई, अब जब होने वाला पति ही इतना मेहरबान हो तो क्या ही कहने। अरे वो जो अनुपमा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अनुज ने बहुत महंगा गिफ्ट दिया है अपनी होने वाली प्यारी पत्नी को। तो चलिए अनुपमा के घर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या पहला प्यार का तोहफा मिला है उसे। अनुज ने आधी रात को अनुपमा को ऐसा गिफ्ट दिया है कि काव्या रानी तो जल बुनकर राख हो जाएंगी। अनुज अनुपमा के लिए सोने की नहीं, डायमंड की अंगूठी दिलवा कर लाया है, वो भी उसकी पसंद की। साथ लेकर गया था अपने होने वाली पत्नी को, वो भी आधी रात को। भाई किसी की नजर ना लगे। थू। नजर तो उतारनी जरूरी है। वो बा और जो वनराज है ना, दोनों की खुशियों पर बस पानी फेरने के लिए बैठे रहते हैं। बा तो अनुपमा को मैनिक्योर करते हुए भी देखते हुए भड़क गई। कहती पहली शादी के निशाने कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। खैर ये बा तो कभी सुधरने वाली नहीं। बस अनुज ऐसे ही अनुपमा पर अपना प्यार बरसाता रहे। प्यार तो हमारे अक्षरा और अभी में भी खूब है, लेकिन आरोही के चक्कर में ना दोनों की शादी पे बात बन आई है। मैंने तो उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि लड़के ने ना शादी के लिए शर्त रखी है। अरे नहीं नहीं, दहेज नहीं मांग रहा है, अभी चाहता है कि आरोही उसकी शादी में ना आए। ये फैसला भी उसने अक्षरा के ऊपर छोड़ दिया है। देखो क्या दिन आ गए हैं। अब पति और बहन में से किसी एक को चुनना कितना मुश्किल होगा। खैर जो भी हो अच्छा हो, भगवान अक्षरा को सही फैसला लेने की ना बस बुद्धि दे दे। बुद्धि की जरूरत तो उस पृथ्वी को भी है जो बैठे बैठे मुआ करण और प्रीता के पीछे पड़ा रहता है। भिजवा दिया करण को जेल, लेकिन हमारी प्रीता भी सती सावित्री है। पति को छुड़ाने के लिए अभी पुलिस से लड़ते हुए थाने पहुंच गई है। अरे हम तो यमराज से पति के प्राण ले आए, जेल से छुड़ाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्रीता ने एक गलती कर दी। हमारी खुफिया चाची बता रही थी कि प्रीता करण को सबके सामने बिजनेस पार्टनर कहे आई हैं। अब ये सब कह रहे हैं कि प्रीता लालची है। खैर ये तो अब सब जानते ही हैं कि प्रीता कितनी भली औरत है। भगवान हिम्मत दे उसे बस। चलो अब हम भी निकलते हैं, हमारी सास का भी ना खाने का टाइम हो गया है। अब खाना नहीं मिला ना, अगली अनुपमा हम ही बनेंगे। बस आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। राम राम।